वेलकम बैक टू एक लव्या स्नातक एंड आई एम सचिन एंड इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक द चोलाज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोलास एंड इकॉनमी एंड कल्चर ओके ये हमारे टॉपिक्स हैं आज के आप चाहे डी यू से हों एस ओ एल से हों या एन सी वेब से हों या और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो अगर आपका सिलेबस सेम है तो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है हिंदी मीडियम के कंटेंट के लिए आप लिंक चेक कर लीजिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और हिस्ट्री ई और ए सी सी हिंदी हमने पढ़ा रखे हैं सब्जेक्ट्स जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे सिलेबस की बात करें तो यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैंने आपको अभी तक करवा दी है यूनिट सेवन आज हम करने वाले हैं द चोलास सो स्टार्ट करते हैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना और टेलीग्राम चैनल अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक लव्य स्नातक वन सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन सो द चोला डायनेस्टी वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन इंडियन हिस्ट्री ओके एंड अंडर राज राज चोल फर्स्ट एंड एंड हिज सक्सेसर्स राजेंद्र चोल फर्स्ट राजधिराज चोल एंड वीर राजेंद्र चोल एंड लोटुंग चोल फर्स्ट द डायनेस्टी बिकेम अ मिलिट्री इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया सो ये आप ये जो नाम पढ़ रहे हो इनके अंडर में चोला डायनेस्टी इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई ठीक है इतनी बड़ी पावर बन गई इकोनॉमिक पावर मिलिट्री पावर और कल्चरल पावर भी साउथ एशिया की एंड साउथ ईस्ट एशिया तक भी सो so चोला रूल लेड टू कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया सो so, चोला रूल के टाइम से ही क्या होता है हमारे कॉन्टेक्स्ट जो है चाइना साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में ज़्यादा होने लगे सो इफ़ यू टॉक अबाउट द सोर्सेस ऑफ स्टडी ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द चोला डायनेस्टी सो वी हैव बेसिकली थ्री सोर्सेज द फर्स्ट सोर्सिस इंस्क्रिप्शन एंड द सेकेंड सोर्स आर मैसिव टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस एंड द लास्ट एंड द थर्ड सोर्स भक्ति लिटरेचर इन तमिल सो so, इन तीन सोर्सेस से हमें पूरी स्टडी करने में मदद मिलती है द चोला डायनेस्टी के बारे में सो इफ यू टॉक अबाउट द अर्ली द अर्लीएस्ट चोला किंग्स आर मैं संगम लिटरेचर संगम लिटरेचर हम पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सो संगम लिटरेचर में इनके बारे में दिया हुआ है द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर वॉज विजयालय ठीक है एंड हु वॉज सबोर्डिनेट ऑफ द पल्लवास ऑफ कांची ये क्या था कि हम पढ़ते आ रहे ना सबोर्डिनेट किंग्स होते थे तो ये भी एक सबोर्डिनेट थे किसके पल्लवास के ठीक है एंड ही कैप्चर्ड तंजौर इन 850 फिफ्टी सीई एट फिफ्टी सीई में इन्होंने तंजौर को कैप्चर कर लिया और इसको चोलास की कैपिटल बना लिया द चोला डायनेस्टी वॉज एट द पीक ऑफ इट्स इंफ्लुएंस एंड पावर ड्यूरिंग द अर्ली मिडेबल पीरियड अर्ली मिडेवल पीरियड जो था उसमें चोला डायनेस्टी अपने पीक पे थी ओके अपनी पावर की बात कर लो कल्चरल इन्फ्लुएंस हो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो मिलिट्री इन्फ्लुएंस हो हर जगह पीक पे थी द सेकेंड चोला किंग आदित्य फर्स्ट कॉज द एंड ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी इन्होंने ही पल्लवा डायनेस्टी का एंड किया इन 907 ठीक है या 907 हिज सन परांतक फर्स्ट सक्सीडेड हिम इसके बाद परांतक फर्स्ट आते हैं पांड्या रूरल राजसीड इन्होंने मदुरई को मतलब जीता। और इन्होंने फिर एक टाइटल ले लिया Madurai कोंडा का यानी कैप्टन ऑफ मदुरई जिसने मदुरई को कैप्चर कर लिया हो सो आदित्य फर्स्ट द सन ऑफ विजाल वॉज द चोला किंग हुक्सटेंडेड दौंड्रीज ऑफ द चोला किंगडम बाई डिफीटिंग पल्लवाज एंड वेस्टर्न गंगा किंगडम ओके राज ठीक है क्रिएटेड अ पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी एंड अ नेवी भाई अब, चोलास की थी, अब नेवी भी थी जोड़ना स्टार्ट हो चुकी है बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रेजिमेंट्स थी जो आर्मी मिलिट्री थी नेवी थी सबके बारे में लिखा हुआ है दीज रेजिमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू एलिफेंट ट्रूप्स कैवलरी एंड इन्फेंट्री ठीक है एंड द पांड्याज चेरास एंड सिंगलास अलाइड अगेंस्ट सो पांड्याज चेरास और ने मिलकर एक ग्रुप अगेंस्ट ठीक है? नाइनटी फोर बट होता क्या है so, ये क्या है कि 994। ठीक है सो so, होता क्या है राजा राज डिस्ट्रॉयड द फ्लीट ऑफ द चेरा किंग भास्कर रवि वर्मन थिरुवादी इन द कंदलूर वॉर ठीक है लेकिन जो राजा राज थे चोला किंग थे उन्होंने क्या करा जो यहाँ पे चेर किंग थे भास्कर रविवर्मन ठीक है उनको कंडलूर वॉर में हरा दिया राजा राज डिफ़ीटेड द पांड्या किंग अमर भुजंगा एंड कैप्चर्ड द पोर्ट ऑफ वीरी नाम वीरी नाम के पोर्ट पे कब्जा कर लिया अमर भुजंगा को हरा के राजा राज, राज ने टू कमोर टू कमोमरेट दिस कॉन्क्वेस्ट राजा राज, राज असूम द टाइटल मुमोडी चोला ठीक है राजा राज जो थे उन्होंने टाइटल ले लिया मोमुडी चोला सो so, uh, उसके बाद अगर आप देखोगे कि महिंदा द सिंगलीस किंग ठीक है ये जो थे ये सिंगलीस किंग थे श्रीलंका और सिंगलीस वगैरह श्रीलंका साइड ज्यादा है सो so, राजा राज ने जब श्रीलंका को इन्वेट किया 90 ठीक uh, है 993 में सो so, राजा राज कैप्चर्ड ओनली द नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका ओके okay, सिर्फ श्रीलंका के नॉर्थ के पार्ट पे ही वो कब्जा कर पाए साउथ वाला इंडिपेंडेंट रह गया सो वन ऑफ द लास्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ द राजा नेवल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द आईलैंड ऑफ मॉल फिर उसके बाद राजा राज ने कहां पे जाके कब्जा किया जो मॉलदीव्स है हमारा ठीक है जिसको हम कहते हैं मालदीव भी कहते हैं वहां पे इन्होंने फिर कब्जा किया जाके नाउ इन थाउजेंड एंड टेन सीई राजा राज बिल्ट द ब्रेदेश्वर टेम्पल इन थंजावुर अब राज, राज जो थे इन्होंने क्या करा एक बहुत ही फेमस टेम्पल को बनाया थंजावुर में जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल था ओके द टेम्पल एंड द कैपिटल अब इनकी कैपिटल भी यही चल रही है और टेम्पल तो फेमस है ही सो ये एक पावर का सेंटर बना रिलीजियस सेंटर बना इकोनॉमिक सेंटर बना ठीक है जो थंजावुर था द टेम्पल टर्नड वन थाउजेंड ईयर्स ओल्ड इन टू थाउजेंड टेन 2010 में यह टेंपल 1000 साल पुराना हो चुका है द टेंपल इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ठीक है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यह लिस्ट में आता है टेंपल एंड इसको जाना जाता है ग्रेट लिविंग चोला टेंपल्स के नाम से ठीक है फिर है राजा राज सन राजेंद्र राजा राज के बाद कौन आए राजेंद्र इनके बेटे आए वो बी ये भी एक अच्छे खासे रूलर थे राजेंद्र हुए श्रीलंका ठीक है अब इन्होंने क्या करा श्रीलंका को इनवेड किया ठीक है पूरे श्रीलंका को इन्होंने कब्जा लिया किंग महिंदा वॉज टेकन प्रिजनर और महिंदा को क्या करा प्रिजनर बना लिया एंड डिपोर्टेड टू द चोला कंट्री और ले गए इसको अपने वहीं चोला कंट्री फिर उसके बाद क्या होता है इन 1919 सी राजेंद्रस फोर्सेस मार्चड थ्रू कलिंगा टुवर्ड्स द रिवर गंगा गंगा रिवर की तरफ कलिंग से होते हुए अब ये जाते हैं फोर्सेस द चोला आर्मी इवेंचुअली रीच्ड द पाला किंगडम ऑफ बंगाल सो वहां पे ये पहुंचते हैं बंगाल के अंदर पाला किंगडम था जहां पे इन्होंने महिपाल को हराया चोल आर्मी ने द चोला आर्मी वेंट ऑन टू रेड ईस्ट बंगाल और फिर वो ईस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं डिफीटेड गोविंद चंद्र डायनेस्टी फिर कब्जा चोलपुरम अब यहां पे इन्होंने एक और कैपिटल बना ली गंगाईकोंडा चोलपुरम नाम से एंड यहां पे क्या हुआ इन्होंने टाइटल ले लिया राजेंद्र ने गंगाईकोंडा का ओके गंगाईकोंडा सो so यहां तक समझ में आ रहा है आपको

नेक्स्ट सेंचुरी तमिल ट्रेडिंग ग्रुप फ्रॉम सदर इंडिया डोमिनेटेड साउथ ईस्ट एशिया और जो तमिल ट्रेडिंग ग्रुप होते थे ट्रेडर्स के उन्होंने काफी डोमिनेट किया साउथ ईस्ट एशिया को राजेंद्र चोल बिल्ट अ वर्स्ट आर्टिफिशियल लेक इन्होंने क्या करा था एक आर्टिफिशियल लेक बनाई सिक्सटीन माइल्स लॉन्ग एंड थ्री माइल्स वाइड ठीक है एंड विच वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना चोला स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्शिप ऑफ द डेड रूलर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एज ट्रीब्यूट डेड किंग्स वर अ स्पेशल फीचर ऑफ द चोला पीरियड यहाँ पे डेड रूलर्स को भी पूजा जाता है चोला किंगडम के अंदर ठीक है चोला जो डायनेस्टी थी इनमें क्या होता था कि डेड रूलर्स की वर्शिप होती थी टेंपल्स बनाए गए बड़े बड़े सो सच प्रैक्टिस इंडिकेट द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द चोला किंग्स इससे हमें पता चलता है चोला किंग्स कितने पावरफुल थे सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन सो so, किंग वॉज द सुप्रीम लीडर किंग जो था उसी की सब चलती थी सो so, एडमिनिस्ट्रेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सो द चोला सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज मोनार्कल ठीक है मोनार्किकल था यानी कि मोनार्क था वहाँ पे ठीक है एक राजा होता था वही सब कुछ करता था एंड uh, संगम एज में भी यही सब था असाइड फ्रॉम द अर्ली कैपिटल एट थंजावूर एंड द लेटर ऑन एट गंगाईकोंडा चोलपुरम कांचीपुरम एंड मदुरई वर रीजनल कैपिटल्स इन विच ओगिजनल कोर्ट्स वर हेल्ड यहाँ पे कोर्ट्स वगैरह भी मतलब होती थी ये जो मैंने आपको कैपिटल्स बताई किंग वाज द सुप्रीम लीडर ये हम जान चुके हैं एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कंसिस्टेड ऑफ इशूइंग कमांड्स टू रिस्पांसिबल ऑफिसर्स किंग का काम क्या होता था कमांड देना अपने ऑफिसर्स को सो द चोला किंग्स बिल्ट टेंपल्स एंड इंडोर्ड देम विद ग्रेट वेल्थ भाई यहाँ पे चोला किंग्स जो जाने जाते हैं वो अपने टेम्पल बनाने के लिए बहुत जाने जाते हैं और अच्छी खासी फंडिंग भी करी उन्होंने टेम्पल्स को द एक्टेड नॉट ओनली एज प्लेसिस ऑफ वर्शिप सिर्फ ये वर्शिप के प्लेसेस नहीं थे बट ऑल्सो एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि ये ज्यादातर कैपिटल्स वगैरह में थे सो बेनिफिटिंग द कम्युनिटी एज अ होल जिससे सभी का फायदा हो रहा था द चोला टेम्पल्स प्लेड वेरी क्रिशल रोल स्ट्रेंथनिंग द पोलिटिकल स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग टू द किंग्स ठीक है फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये काफी इंपॉर्टेंट था इसका काम क्या था रेगुलर कलेक्शन करना टैक्सेस की और जो अदर जो भी ड्यूज होते थे उसको कलेक्ट करना नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व डिविजन ऑफ एम्पायर इन टू प्रिंसिपैलिटीज ठीक है एंड मंडलम्स सो इस तरीके से इसको डिवाइड हम कर सकते हैं प्रोविंज वर फर्दर डिड इन टू वला ठीक है ये इस तरीके से डिविजन होता था ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टाउन एंड टाउनशिप्स वॉज नोन एस तंकुरम्स सो जो टाउन्स होते थे जो टाउनशिप थी वहां पर जो ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको तंकुरम कहा जाता था टाउन अटोनमी वॉज क्वाइट सिमिलर टू विलेज अटोनमी एंड बोथ वर एडमिनिस्टर्ड बाय असेंब्लीज दोनों में जो मतलब एडमिनिस्टर ये मतलब कौन कर रहा था असेंबलीज ही करती थी ब्रह्मदेय और अग्रहार विलेजेस वर ग्रांटेड टू ब्राह्मणास ठीक है जो अग्रहार विलेज होते थे वो ऐसे विलेज थे जो ग्रांट किए गए थे जो दान में दिए गए थे ब्राह्मण्स को ओके और वहां पे लगभग ब्राह्मण सी रहा करते थे सभाज मेंबरशिप वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द ब्राह्मणास ऑफ द विलेज

इन इफेक्ट द ओल्डर मेम्बर्स प्ले ड मोर प्रोमिनेंट रोल और क्या था भाई जितने भी जो टैक्स पेइंग मेल एडल्ट थे और ज्यादातर इसमें ओल्डर में हुआ करते थे नाउ इफ आई टॉक अबाउट मिलिट्री ऑफ चोला ठीक है द चोलाज सो दोला किंग्स है प्रोफेशनल मिलिट्री भाई प्रोफेशनल मिलिट्री थी इनकी एंड सुप्रीम कमांडर किंग खुद होता था और अगर हम इसको देखें मिलिट्री कितने टाइप की है यहाँ पे हमारे अंदर इसका डिविजन सो दैवलरी द एलिफेंट कॉप्स

चोला नेवी वॉज द बेस्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सी पावर सो भाई चोला नेवी बहुत फेमस है चोला उसको कहा जाता है फर्स्ट नेवी थी इंडिया में एंड चोला किंग्स एबल टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ देर एम्पायर बिकॉज ऑफ द एफिशियंट आर्मी दे कमांडेड और भाई उनका एम्पायर इतना दूर तक कैसे एक्सपेंड हुआ एक्सटेंड हुआ क्योंकि उनकी आर्मी एफिशियंट थी सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इकोनमी ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी और चोला पीरियड सो लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्स द द मेन सोर्स ऑफ इनकम चोला रूलर्स देयर इन गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर नो डाउट सो अपार्ट फ्रॉम सिंकिंग वेल्स एंड एक्सकेवेटिंग टैंक्स द चोला रूलर्स मेड माइटी स्टोन डैम्स बड़े बड़े डैम्स भी बनाए इन्होंने अक्रॉस कावेरी एंड अदर रिवर्स एंड कट आउट चैनल्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर ओवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड इस तरीके से पानी इन्होंने दूर दूर तक पहुंचाया ताकि किसी तरीके की भी कोई दिक्कत ना आए इरिगेशन वगैरह में भी राजेंद्र चोल डग आर्टिफिशियल लेक राजेंद्र चोल ने एक आर्टिफिशियल लेक बनवाई थी अपने कैपिटल बन मेथर्स अंडर टेकन बाय चोला सोसाइटी सो ये इरीगेशन के डिफरेंट जो मेजर्स थे इससे फायदा किसको हुआ सोसाइटी को हुआ द चोला स्टेट एक्सेल्ड इन फॉरन ट्रेड भाई काफी अच्छा खासा फॉरन ट्रेड था इनका ठीक है एंड चाइना साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छा खासा था भाई ट्रेड टवर्ड्स द एंड ऑफ द नाइन्थ सेंचुरी सदर इंडिया हैड डेवलप्ड एक्सटेंसिव मेरी एंड कमर्शियल एक्टिविटी द साउथ इंडियन गिल्ड्स प्लेड अ मेजर रोल इन इंटर रीजनल एंड ओवरसीज ट्रेड जो गिल्ड हुआ करती थी जो ग्रुप्स हुआ करते थे वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं द सॉन्ग डाइनेसिटी ऑफ चाइना द्री विजय एम्पायर अंडर द द द सेलेंड्रास एंड खिलाफत एट बगदाद मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स इनके साथ हमारा ट्रेड हुआ करता था चोलास का इफ आई टॉक अबाउट सोसाइटी नाउ सो चोला किंग्स डोनेटेड लैंड्स फॉर पब्लिक वेलफेयर एज वेल एंड ब्राह्मणास के लिए तो पूरे के पूरे विलेज डोनेट किए गए थे अग्रहार द इंस्क्रिप्शन शोज दैट हॉस्पिटल वॉज नेम्ड आफ्टर वीरचोल वीर चोल नाम से एक हॉस्पिटल भी बनाया था इन्होंने ऐसा हमें इंस्क्रिप्शन में मिलता है द फार्मर्स ऑक्यूपाइड वन ऑफ द हाईएस्ट पोजिशन इन द सोसाइटी फार्मर्स की पोजिशन काफी अच्छी थी सोसाइटी में द क्वालिटी ऑफ द इंस्क्रिप्शन जितनी अच्छी क्वालिटी के इंस्क्रिप्शन हैं इससे हमें पता चलता है कि हाई लेवल ऑफ लिटरेसी था एंड एजुकेशन काफी हाई थी द टेस्ट इन दीज इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन बाय कोर्ट पोएट्स एंड इनग्रेवड बाई टैलेंटेड आर्टिस ठीक है सो ये हो जाएगा तमिल वॉज द मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉर द मासिस एंड रिलीजियस मोनेस्ट्रीज मठा एंड गटिका वर सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड रिसिव गवर्नमेंट सपोर्ट

जो चोला टेम्पल्स का आर्किटेक्चर है इसको आज भी अप्रिशिएट किया जाता है द ब्रेदेश्वर टेम्पल द टेंंगाई कोंडा चोलपुरम एंड द टेम्पल एट दरासुरम ठीक है वर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को इन सभी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में ऐड किया गया है एंड दे आर नोन एज ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स ओके नाउ आप ये टेम्पल्स को देख सकते हो ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये भगवान शिव को ही डेडिकेटेड थे एंड uh, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में भी ऐड किया गया है ये चोला हैं सो आर्किटेक्चर पार्टिकुलरली द और साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय द जो का आर्किटेक्चर था उसको द्रविड़ स्टाइल कहा जाता है या साउथ इंडियन स्टाइल कहा जाता है दोनों में से कुछ भी कह सकते हो द विलेज असेंबली हेल्ड इट्स मीटिंग विलेज असेंबली की मीटिंग मंडप के अंदर होती थी ठीक है और ये भी एक चोला टेम्पल के आर्किटेक्चर का एक एडिशनल फीचर हो गया था द पुद्दूकोट डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु हैज एन अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ अर्ली चोला टेंपल्स जो पुद्दू कोट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ बहुत से चोला टेंपल्स हैं विच गिव अस अ गुड आइडिया ऑफ द ग्रोथ ऑफ द साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और इन्हीं टेम्पल से हमें पता चलता है जो द्रविड स्टाइल टेम्पल्स थे कितने ज्यादा साउथ इंडिया में बन रहे थे चोला पीरियड में सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दैम इज अनडाउटली द विज्यालया चोलेश्वर टेम्पल एट नॉर्थ मलाई ऑल्सो कोल्ड मेला यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है

एट श्री एंड सैवरल इन द नागेश्वर स्वामी टेम्पल एंड कुंभकोनम, सो so ये यहाँ पे हैं भाई हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं पोर्ट्रेट्स। सो so दोला फॉर द नटराज ब्रॉन्जेस नटराज ब्रॉन्जेस यानी कि ऐसे स्टैचू जिसमें भगवान शिव को डांस करते हुए दिखाया जाता है नटराज उनका जो है ठीक है जो रूप है विच आर मास्टर पीसिस ऑफ दिस आर्ट सो दस्ट एग्जाम्पल इज द नटराज इमेज इन द नागेश्वर टेम्पल एट कुंभ अब ये नटराज कैसे दिखते हैं इस तरीके से होते हैं डांसिंग शिवा यानी कि नटराज का जो स्टैचू है इमेज है इस तरीके से सो so, चोला वॉल पेंटिंग्स आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द विजयालय चोलेश्वर एंड राज राजेश्वर टेम्पल्स यहाँ पे मिलती हैं हमें पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द विजयालय चोलेश्वर टेम्पल लार्ज पेंटेड फिगर्स ऑफ महाकाल महाकाल शिवजी देवी शिवा ये सभी आप समझ लो इनके हमें मतलब कहीं ना कहीं जो मतलब देखने को मिलते हैं पेंटिंग्स ठीक है सो ये हो जाएगा इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी धन्यवाद